है जितने भी समाजवादी आंदोलन मृत्यु पर्यंत तक स्वर्गीय कर्पूर ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर रघुवंश बाबू चलते रहे। कभी भी समाजवाद से उनका बिलगाव नहीं हुआ। ये भ्रम के शिकार वे लोग हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में कोई राजद से उन्होंने इस्तीफा किया। ये भ्रम के शिकार वे लोग हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में कोई राजद से उन्होंने इस्तीफा किया। वह एक तपस्वी थे, उनको लगता था कि मेरे जीवन का अंत आ चुका है। केवल इतना ही उन्होंने लिखा कि शायद अब लालू जी मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, और उसके बाद ये दुनिया से प्रस्थान कर गए। अलग है कि चाहे जिन लोगों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किए, उन लोगों के दुष्परिणाम दुष्प्रचार से जो भी निकला हो, लेकिन कभी भी रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी आंदोलन स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो स्थापित सिद्धांत उससे अलग नहीं हुए, और आज भी उसी रास्ते पर अपने उनके जितने भी साथी हैं उसी समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह एक व्यक्ति भी थे लेकिन समाजवादी आंदोलन के नायक भी थे और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक भी थे। आज के दिन हम सब उनकी प्रतिमा नहीं उनके चरित्र के सामने हम लोगों ने आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, और जहाँ भी हों उन्हें हम विश्वास दिलाते हैं कि कभी भी जिस रास्ते से आपका भटकाव नहीं हुआ उस रास्ते से कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथियों में कोई भटकाव नहीं आएगा। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, बेरोजगार, अनाथ सभी लोगों की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ता रहा है, आपके साथ भी। और आप इस दुनिया में नहीं हैं तो भी जब तक राष्ट्रीय जनता दल को ताकत रहेगी इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। यही हम लोगों ने रघुवंश बाबू को आज के दिन अपने हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कह रही है कि रघुवंश बाबू का प्रतिमा आरजेडी कार्यालय में लगाकर उनके सम्मान देना चाहिए। ये सवाल एक सामयिक नहीं है, इस समय मैं किसी बहस और किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊँगा। हम लोग जिस काम के लिए इकट्ठे हैं, आप लोगों ने चर्चा की, समाजवादी आंदोलन के एक स्तंभ रघुवंश बाबू नहीं रहे, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का साथी उस रास्ते से भटकाव के रास्ते पे नहीं जाएगा। सर राजद कार्यालय के विस्तार, राजद कार्यालय के विस्तार।